ये तो बड़े कोरोना च फंसे हैं जनाब। इस वक्त मैं हूँ नर के ऊपर, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो पहुँच चुके हैं, राशिद अली अवान साहब, उन्होंने इनको इनके चेक करने के लिए अपना वो जो है ना सिस्टम कर रहे हैं कि ये कह रहे थे मेडिसिन एक्सपायर है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपायर नहीं है, ये देख रहे हैं अभी उसको। कोई भी नहीं अभी पास ले चले, मैनू आते इधर वेखो साहब, इधर इधर वेखो, मेरे हाथ वेखो, सारे काम हो रहे हैं मेरे नाल। लो जी इस वक्त वो जो पिछला बंदा बैठा वो तो बोंदल दोंदल गया है, चट्ठा चक शैली से है भाई जान, तुसी जरा तू तो अपना वीर है। हां जी मैडम एसी साहब नु करो, मैं कॉल कीती सीओ नु कीती, दोहा मेरा कॉल कॉल नहीं चुकी, फिरोज भट्टी नु करो नाल, मैडम तो मैं डर देन कीती यार। नाजरीन इस वक्त जितने भी लोग हैं वो इस वक्त देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, और अब ये सब ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो कहीं भी देखें ऐसे जो जवान है वो आप उनको बेनकाब करें। कोरोना का जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है लेकिन ये दवाई अद्वियात चोरी करने के दर पे है, और मुझे ये पैसे देने के दर पे दे मुझसे ले लें, लेकिन ये मैं 10,000 लेता 20,000 लेता, बाद में शापर साफ ही वखरा कलवाता, और एक्सपायर नहीं है ये गांव लेके जा रहे हैं, रास्ते में दोनों मुलाजिम है, ये बोरा भरा हुआ है मेडिसिन, मुझे पैसे दे रहे थे साहब, जीटीएचक्यू के ये देखें, ये मैं गांव में नहीं जाने सकता जी, मैं फिरोज भट्टी साहब को कॉल करता हूं। ये देखें नाजरीन अभी मैं तो इनको नहीं पढ़ सकता, ये क्या ये मेडिसिन कितना क्या है किसके लिए है, रास्ता दीजिए थोड़ा अच्छा दीजिए, पैसा किसी पर खड़े ना हो वो, तो ये मेडिसिन है उसका नॉट फॉर सेल ऊपर लिखा हुआ है कि सेल नहीं करते, लेकिन हमने अभी हम ये देखें किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है, प्रोडक्ट एक्सपायर कब होंगे। 5,900 पुलिस ले आके नाल नाजरीन इस वक्त मैं वहाँ यहाँ पे खड़ा हूँ। चंद माह पहले भी मैंने सांगलाल में मेडिसिन जो जाली मेडिसिन पकड़ी थी वो साहब के एसी साहब थी, उसको मैंने दिया था ये केस, लेकिन वो उसने ना वो सब सिस्टम सीधा पधरा कर लिया। अभी मैं लाइव इसलिए चलाना शुरू कर दिया था कि ये हमने पकड़ी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह राशिद अवान साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर और राणा अकरम साहब हैं, और ये भाई हैं वो जो क्या महकमे के मुलाजम है, और ये भी ये हमारे गाँव में भी साइकिल के ऊपर जाते थे पंडोरियां, मुझे तो पता था ये डॉक्टर हैं, लेकिन इतना तोड़ा ऐसे लेकर ये अगर महकमा ट्रांसफर करता है मेडिसिन और ट्रांसफर, ये तस्वीरें ले लें इनकी, कार्ड की तस्वीरें ले लें, नहीं कार्ड वापस दो, तस्वीरें ले मेरी वीडियो बना लो, कोई ऐसी कार नहीं मैं वो ले रहा हूँ, मैं लाइव चल रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मीडिया के जो है ना आपके कोऑर्डिनेटर हैं पीटीआई के, फलाने बंदे की तुसी मुलाजम हो ताडे वाल किसी ने देखना भी नहीं, मैनू सिर्फ ये दसो कि तुहानू भेजा किने, गलियां अठ नंबर बेच छोड़ छ तेन नहर का हुक्म दिता तू नहर के बजाय पिंड ला चलिया तू, मेरा सवाल का जवाब फिर नहीं दे रहे अगर इस तरह गल कर लो बड़े जिम्मेदार बंदे ने, इतने माफी तुहानू मिल सकदी दो बंदे नू, अगर अगर ईमान हिल गया वे फिर भी तुहानू माफी मिल सकदी सच बोलने नाल, अगर पहला गल ते कानून ए कहिंदा ए कि तुसी मेडिसिन जिहड़ी ना हैड़ी
ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਟਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਛੋ ਫਿਰ ਛੱਠਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਕੋਡੀ ਖੇਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ 5,951 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਹ TSQ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ 94-62 ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬੋਰਾ ਗਾੜੀ ਮੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੇ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸਕੋ ਨਹਿਰ ਮੇ ਫੇਂਕਣਾ ਥਾ ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਹਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਓ ਕਾਲਜ ਸਾਂਗਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯੇ ਲੜਕੀਓ ਕਾਲਜ ਅਭੀ ਇੱਧਰ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਤੋ ਵੋ ਦੂਰ ਸੇ ਯੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਪੁਲ ਲੜਕੀਓ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਪੁਲ ਵਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲੇਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਥੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਗਾਉਂ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਹੈ ਅਭੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਭੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਔਰ 5-6,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਇੱਕ ਵੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥਾ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ
थाना सिटी पुलिस ने इनको अपने कब्जा में ले लिया है। जो मेडिसिन चोर हैं यहाँ पे, आपको पता है मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे सांगला हल्के के बहुत बड़ा इनका सरगना जो है, इनका जो एपका जो डॉक्टर यूनियन का बने हुए हैं ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है, इनके जाली डॉक्टर है। वो भी किसी देहात का ही है, मुमकिन है मेरे गाँव का ही होगा, लेकिन वो भी मैं आ रहा हूँ। वो आज 1 रुपये का था और 1 माह के बाद 2 माह के बाद वो 1 करोड़ रुपये का बन गया। तो मुझे भी यहाँ ये 10,000 देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मैंने लाइव नहीं चला सका। तो मैं नाजरीन अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका जो है ना पूरा बायोडाटा दूँ, बाद में भी फॉलो बैक करूँगा। यहाँ पर मुझे ऐसे बंदे भी मिले हैं जो डेले निकालने वाले हैं, यानी कि आँखें निकालने वाले हैं, लेकिन आपको पता है जिस दिन मैंने कब्र में जाना है उस दिन नहीं जाना है, पहले जाना भी नहीं जाना है। मोटरसाइकिल है नाजरी, ये देखें अभी लड़की और कॉलेज यहाँ से नहर शुरू हो रही है, अभी नहर के ऊपर ही हूँ। वो कहते हैं ना कि हमने ज़ाया करने जा रहे थे, अब बल्कि वो ज़ाया कर नहीं सकते, अभी 1 माह उनकी डेट पड़ी हुई है और 5,000 से ऊपर उसकी कीमत है, और ये इतना बोरा भरा हुआ था। ये देख रहे हैं आप मोटरसाइकिल के ऊपर हम जा रहे हैं, अभी भी नहर ख़त्म नहीं हुई। ये उनके गांव की तरफ रास्ता जा रहा है और आधा सफ़र तो कर चुके हैं, थोड़ी देर के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो फिर मैंने भी उनसे जो है ना क्या नाम लेते हैं वो पंजाबी में मसाल है कन्नी कतराने वाली गल थी, मोबाइल को अपना कॉल को डिलीट करने लगा हूँ, बाद में इंशाल्लाह मैं फिर आता हूँ।